प्रदेश में बीते कुछ दिनों में बारिश न होने से गर्मी का सिलसिला फिर से चालू हो गया है। दिन की धूप ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहां भी मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिला है। ऐसे में अगर मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में 28 सितंबर यानी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक दो जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर तो बादल गरजने के साथ ही बिजली गिरने की भी उम्मीद है। वहीं इस बीच पश्चिमी यूपी में मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। यहां ना ही बारिश होने के आसार हैं और ना ही कहीं भी बादल गरजने और आकाश बिजली गिरने की उम्मीद है। ऐसे में 29 सितंबर को पश्चिमी यूपी में मौसम ड्राई यानी सूखा सूखा रहने वाला है, इसलिए यहां ना तो बारिश होगी और ना ही बिजली गिरने की कोई उम्मीद है। इस अवधि में पूर्वी यूपी में एक दो जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही पूर्वी हिस्से के कुछ क्षेत्रों में बादल गरजने और आकाश बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं लखनऊ में सुबह के समय आंशिक तौर पर बादल छाए रहे, संभावना है कि दोपहर या शाम तक बादलों का डेरा नजर आने लग सकता है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो आज मिनिमम टेम्परेचर गाजियाबाद में 26 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ गाजियाबाद में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ चलिए आपको बताते हैं कि अन्य राज्यों में मौसम का हाल क्या है। मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो आज मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, ओडिशा के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिणी बिहार, उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, गुजरात, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होना संभव है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पर आपकी क्या राय है अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।